पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जब बात हो मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की तो भला कोई पार्टी कैसे पीछे रह सकती है, जहां एक और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान जेल में बंद हैं और उनके परिवार से लेकर समर्थक तक सब समाजवादी पार्टी से दूरी बनाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी इस मौके को छोड़ने वाली नहीं। राजनीति में अपना वजूद वापस बनाने में लगी हुई कांग्रेस की तरफ से आज यूपी कांग्रेस के महासचिव सचिन चौधरी ने खुलकर अपना बयान सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें वो आजम खान का नाम लेते हुए उनको कांग्रेस में आने का न्योता दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, हम आपको राष्ट्रीय टीम में शामिल करेंगे, आप हमारे साथ आएं। आज मैं माननीय आजम खान साहब को कांग्रेस में आमंत्रित करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं उनके परिवार को, उनको, उनके चाहने वालों को, जो तमाम देश और दुनिया में उनके चाहने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर वो रहेंगे क्योंकि वो राष्ट्रीय नेता हैं। छोटे दल चाहे बसपा हो चाहे एएमएम हो, ये दोनों ही बीजेपी के साथ हैं, चुनाव में सबको पता चल गया। और इस देश में दो आइडियोलॉजी काम करती है, एक बीजेपी जो हिंदू और मुसलमान दोनों का नुकसान करती है, दोनों को लड़ाती है, एक कांग्रेस जो सबके साथ रहती है। ये दो आइडियोलॉजी देश में काम करती हैं। दूसरा विपक्ष सिर्फ कांग्रेस है देश के सामने, तीसरा कोई विपक्ष नहीं है फिलहाल। तो मैं निवेदन करूंगा माननीय आजम खान साहब से, वो मेरी इस अपील को स्वीकार करें और एक बार मौका दें। कांग्रेस में सबका सम्मान होता है और आज छोटे जितने भी दल हैं ये कहीं ना कहीं बहुत जल्दी डर जाते हैं, लेकिन कांग्रेस इस देश की बुनियादों में है, देश की आजादी में है, देश के लोगों के साथ है। आज जिस तरह से चुनाव जीते जा रहे हैं, ईवीएम को हैक करके 20-25 हजार वोट जो खुद डाली जा रही हैं, वो देश आप बचा सकते हैं। आज आजम खान साहब साथ आइए, कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे और जितने भी ये लोग हैं जो दंगे कराकर उनको फुटेज चलाते हैं, उन सबके साथ हिसाब लेंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज।